वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका हमारे इस नए एपिसोड में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर, जिस प्रॉब्लम से सभी लोग बहुत बहुत दुखते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी ओडर या आपका स्मेल। अब देखिए, पसीना होना एक कॉमन बात है, सभी को पसीना हो सकता है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो। गर्मी जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे पसीने का रेट भी बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे परेशान वाली बात ये है कि पसीने के साथ अगर बदबू, मतलब आप अगर जो प्रस्पायर करते हो उसमें अगर जो ओडर है उसका, वो अगर बहुत बैड ओडर हो, बैड स्मेल हो, सो ये आपको बहुत तंग करता रहता है। और सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी होती है आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वजह से। अब पसीने में बदबू होना ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। जैसे आपका अगर हाइजीन अगर आपका ठीक नहीं है, मतलब अगर आप साफ़ सुथरे कम हैं, कोई अच्छे से नहाते नहीं हैं या अच्छे से साफ नहीं कर पाते खुद को, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कभी कभी कुछ कुछ मरीजों में देखा गया है लोगों में कि जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम जिनको है, उन लोगों को भी जब वो लोग प्रस्पायर करते हैं तो प्रस्पायर से बहुत ओडर निकलता है। अब देखिए, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है जिस वजह से आपके पसीने में बदबू है, सो प्लीज़ डू विजिट योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि डॉक्टर से बड़ा इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आपकी इस दिक्कत को अगर आप बहुत दिन तक जारी रखते हो या उसको नोटिस नहीं करते हो, तो बाद में जाके ये यही छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है। सो इस बात को ज़रूर चेक कीजिए, डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपकी हाइजीन के वजह से ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम बोलना चाहेंगे कि आप प्लीज़ अपने हाइजीन पर थोड़ा नोटिस कीजिए, क्योंकि हेल्थ के साथ हाइजीन होना कंपल्सरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अब मैं बातें को ज़रा आगे ले जाती हूँ। मैं कुछ घरेलू टिप्स आपको देने वाली हूँ, जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो बॉडी ओडर का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका बहुत कम हो जाएगा, रिलीफ होगा। सबसे पहली बात, हमारे पसीने निकलने वाले जोन में सबसे ज़्यादा पसीना निकलता है हमारे आर्मपिट से। या फ्रेंड्स, आर्मपिट सबसे ज़्यादा पसीना डिस्चार्ज करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनके हाथों के पाम्स, वो भी बहुत सारा डिस्चार्ज करते हैं पसीने को। इसके अलावा कई लोग हैं जो मोटे कपड़े पहनते हो या फुल पहनते हो, तो उनके बैक्स से भी बहुत स्मेल निकलता है, बहुत ओडर होता है। तो इन सोर्स के लिए मेरे पास आपके लिए तो छोटा छोटे कुछ टिप्स हैं जो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो टिप है, दैट इज़ कम्प्लीटली आयुर्वेदिक टिप। आप हल्दी का पाउडर उसके साथ सुखाए गए संतरे के छिलके एंड बीट टर्मरिक पाउडर अलॉन्ग विद ऑरेंज पील पाउडर यानी संतरे के जो छिलके होते हैं उनको सुखा के धूप में, उनको ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए और इक्वल 1:1 रेशियो में दोनों को मिलाकर एक तरह का पेस्ट बना के, अगर आप नहाने से पहले अपनी जिन जिन जोन से आप ज़्यादा प्रस्पायर करते हो या जहाँ से बदबू ज़्यादा निकलता है, उन जगहों पे अगर आप अप्लाई करते हैं, फिर 5 मिनट या 4 मिनट रख के फिर आप नहा लेते हैं, या देखिएगा फिर आप जब निकलेंगे तो ज़रूर आपका जो ये बॉडी ओडर का जो प्रॉब्लम है, आप कंपैरेटिवली दूसरे दिन से आपके स्वेट में ओडर बहुत ही कम होगा। और अगर आप इसको लगातार एक हैबिट बना लेते हो तो ओडर अच्छा बनता हो जाएगा। आती हूँ दूसरे टिप पर, ये टिप भी बहुत सिंपल है। ये टिप है लेमन कटर, लेमन नींबू। जिनके घर में नींबू तो सबका होता है, और क्योंकि नींबू में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहते हैं, जो पसीने से होने वाले जीवाणु से जो बदबू निकलता है उस जीवाणुओं को साफ कर देते हैं। तो इसलिए नहाने से पहले अगर आप नींबू के रस को अपने आर्मपिट्स या जहाँ जहाँ आपको पसीने ज़्यादा होते हैं उन पर अगर थोड़ा घिस लें, और इसके अलावा आप नींबू के पानी के साथ कुछ टिप, अगर बेकिंग पाउडर मिला के बेकिंग सोडा दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाकर अगर लगा लेते हो, तो ये भी आपके पसीने के बदबू को भगाने में आपकी बहुत बहुत मदद करेगी। लेकिन हाँ, याद रखिए नहाने से पहले कीजिएगा। तीसरा जो मैं टिप दूंगी, ये थोड़ा अनकॉमन टिप है लेकिन बहुत फायदेमंद है, जिसको आप घर होम में डिओड्रेंट
जो सेब खाते हैं, सेब का जो जूस निकलता है, उस जूस के साथ अगर आप कुछ ड्रॉप लेमन जूस दोनों को कंबाइन करके, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि लेमन जूस और एप्पल जूस को डायरेक्टली मत अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, उसके साथ में कुछ हिस्सा पानी का भी रखिए। तो पानी, एप्पल जूस एंड लेमन जूस, इन तीनों को एक साथ मिला के एक अच्छे से शेक कर लीजिए। शेक करके एक स्प्रे बोतल में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हो या नॉर्मल टेम्परेचर में यूज करने से पहले आप रख सकते हो। आपको करना ये है, तीनों को मिला के स्प्रे बॉटल में डाल के उसको आपको फ्रिज में रखना है। नहा के आने के बाद आप अपनी बॉडी को टॉवल से अच्छे से आप पैड ड्राई कर लो। फिर कपड़े पहनने से पहले, आई रिपीट, बिफोर वेयरिंग योर क्लोथ्स, कपड़े पहनने से पहले आप इस स्प्रे को, जैसे आप डिओड्रेंट्स को स्प्रे करते हैं ठीक उसी तरह से इस पर्टिकुलर दोनों जूस के कॉम्बिनेशन को आप स्प्रे कीजिए। अगर आप ऐसे स्प्रे करके फिर कपड़े पहन लेते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, आई चैलेंज यू, आपको ओडर नहीं आएगा। आप रेस्पायर करेंगे लेकिन आपके रेस्पायर में ओडर का जो लिमिटेशन है बहुत कम हो जाता है। और अगर आप इसको हैबिट में डाल लेते हो करने से, तो क्या होगा, बाद में जाके देखा जाएगा कि आपका ओडर और हो ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, इन सबको करने से साथ साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, जो कि पहले ही मैंने ये शुरू करने से पहले बोला था कि डॉक्टर से बड़ा इलाज करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है। अगर आपको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम हो, इंटरनल ऑर्गन्स रिलेटेड, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए जितनी जल्दी हो सके। और इसके अलावा बिफोर ट्राइंग एनी टिप्स, ये भी हम बोलना चाहेंगे कि अपनी स्किन के टाइप को आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, प्लीज़ डू गिव आवर फीडबैक, उम्मीद है हमारे दिए गए जो टिप्स है जो मैंने आज आपको दिया वो आपको अच्छा लगे और आपके फायदेमंद साबित हो। सो प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक्स, गिव योर कॉमेंट्स, क्योंकि आपके फीडबैक्स और आपके कॉमेंट्स हमको इंक्रेज करते हैं ताकि हम नए नए टॉपिक को लेकर आपके पास रोज आ सकें। इसके अलावा अगर आप किसी बारे में जानना चाहते हो कि आपने आपके मन में कोई क्वेरी है किसी हेल्थ या किसी ब्यूटी रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या व्हाट्सएप पर पिंक करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो या मैं आपको या अपने टिप्स आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ जिन लोगों ने पहले से शुरू तक हमारे इस वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और सब्सक्राइब करके पास में दिया बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्या घंटी बजाओगे तो हमारी घंटी आपके पास सबसे पहले जाएगी। स्टे गुड, स्टे हेल्दी।